दो मिनट रुक नहीं सकती। क्या कहा तुमने? गलती से आवाज ऊंची हो गई। पहले ये बताओ तुम हो कहाँ? घर पे ही हूँ। पड़ोसियों का फोन आया था मुझे, पूछ रहे थे घर में इतना शोर क्यों मचा रखा है। शोर मचा रखा है? टीवी की आवाज है। क्या? वॉल्यूम बढ़ गया होगा। डर डर कर क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पहले ही मना किया था घर पर किसी को मत लाना। शादी के बाद तो मैंने सबको मना कर दिया। ठीक है मैं शुक्रवार को घर आ रही हूँ, मेहरबानी करके बस स्टॉप तक आ जाना। रख रही हूँ। रखो, मैं आ जाऊंगा। इनकी तो मैं, अरे आधी रात। हाँ भाभी, कर रहा हूँ। मचा रहे हो? हाँ बच्चे सो रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या? सोसाइटी में कंप्लेंट कर दूंगी तेरी, न जाने कहां से आ जाते हैं रहने। मेरी बीवी शुक्रवार को आने वाली है, अगर उसे घर पहले जैसा नहीं मिला तो मुझे मार डालेगी। कुछ भी चाहिए तो बता देना, और ये तेरी आखिरी ड्रिंक है। हाँ तेरी भी आखिरी ड्रिंक है। अबे घर है या मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर? ये मत करो वो मत करो, क्या है ये? दिमाग खा रहा है। अबे बच्चे के माँ बाप जरूर पुलिस के पास जाएंगे। हाँ फालतू टेंशन मत ले, अगर वो थोड़ा डरेंगे तभी बच्चे के लिए तरसेंगे और हमें मुंह मांगी फिरौती देंगे। जिस बच्चे को किडनैप करना है वो ये स्कूल में पढ़ता है, नाम आदित्य। वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। आदित्य की माँ शकुंतला देवी, कोयंबटूर की सबसे बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मालकिन। आदित्य का बाप महेश सुब्रमण्यम, हम सब जिस कंपनी में काम करते थे उसका फुद्दू सीईओ। साले ने एक साथ 5,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हमारी आज इस हालत की वजह भी वही है। सिर्फ हम ही क्यों अपनी जिंदगी गरीबी के डर में जिए? मुझे भी उसे इसी हालत में देखना है, हमारी तरह। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। भाई एक बार और सोच लेते तो ठीक रहता। सवाल ही नहीं, मैंने 9 दिन उसका पीछा किया और एक फुल प्रूफ परफेक्ट प्लान बनाया। अब मैं पीछे नहीं हट सकता किडनैप करने का। ए, ऐसा लगता है कि तू प्रोफेशनल है। बच्चा किडनैप करेंगे तो हालत खराब होगी। मक्खी मारने नहीं, शिकार पे जा रहे हैं। सिर्फ एक बार लंबा हाथ मारेंगे, उसके बाद सेटल। ये आदित्य का ड्राइवर है, उसे रोज स्कूल से पिक करता है। ए, तुम लोगों को लगता है कि इतनी भीड़ में हम उस बच्चे को उठा पाएंगे? ऐसी सेम फीलिंग मेरे को भी आ रही है। यहाँ से उठाना मुश्किल है, लेकिन किस्मत और मौके दोनों खुद ही बनाने पड़ते हैं। मेरे पास एक प्लान है। सुन, उस BMW का पीछा कर। जब स्कूल से गाड़ी निकलती है तो गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर और बच्चा होता है। वो कौन से रास्ते से जाते हैं, वहाँ कितना ट्रैफिक होता है, ये सारी डिटेल्स मैंने पहले ही पता कर ली है। फिर गाड़ी नेहरू स्टेडियम जाकर रुकती है। आदित्य रोज 1 घंटा स्विमिंग की ट्रेनिंग करता है। अब ऐसा करो। उसके बाद वो बच्चा कहीं और जाता है ड्राइवर को बिना बताए, और वही हम उसे किडनैप करेंगे। लोहे का दरवाजा खोलने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है, जितनी एक छोटी सी चाबी काम आती है। ले पकड़। अबे जैसा तुमने कहा इस एरिया की मैंने सारी की सारी चेरी टॉफीज खरीद ली हैं। गुड, सिर्फ वही दुकान बची है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, स्विमिंग क्लास खत्म होने वाला है, बच्चे को छोड़कर मैं घर पे जल्दी आ जाऊंगा। देख टॉफी खरीदने गया है। बेटा तुम जो चॉकलेट खाते हो वो खत्म हो गई है, कल मैं तुम्हारे लिए संभाल के रखूंगा। क्या तुम्हें भी चेरी टॉफीज पसंद है? तो बेहोश हो गया। अरे कोई गाड़ी रोको, जल्दी 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 प्लीज हॉस्पिटल चलिए, जल्दी 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 हॉस्पिटल ले चलो। जाओ जाओ
लाइटनिंग चर्च के दरवाजे पर होती है। भयंकर बारिश हो रही है, सबके वॉकी टॉकीज लगातार बज रहे हैं, साइरन्स भी बज रही हैं। वो संडे का दिन था और चर्च लोगों से भरा हुआ था। चर्च में एक नन भी है। उस नन को देखते ही अपने हीरो को उसकी लाइफ का पहला प्यार हो जाता है, समझे? तो आगे क्लाइमेक्स में क्या होता है? फिल्म का क्लाइमेक्स तो धमाकेदार है। ये पिघल पिघल के प्यार करना कैसे दिखाएगा बे? हीरो के हाथ में आइसक्रीम पकड़ाएगा? कहानी तो तेरी है ना, तू चल सुना सुना। अब सुनो आगे का सीन। एक मिनट, अभी आगे सुना। हीरोइन गन उठाती है और हीरो को उस गन से भगवान के पास पहुंचा देती है। क्या घटिया कहानी है। मेरी एक बात समझ ले, अगर प्यार है तो लवर बताएगा। ओके चलो निकलते हैं। हाँ जा जा, अपनी लैला को लेके जा, अपने को सिर्फ पीने का है। भैया 10 बज गए, दुकान बंद करनी है, नहीं तो बारात लेके आ जाएंगे अपने पुलिस वाले। हाँ तो आने दे, मैं पुलिस से डरता हूँ क्या? तू जाके एक चिल्ड बियर लेके आ जा। आप अपने लीवर की बैंड बजा रहे हो? अबे जाना डॉक्टर के औलाद। मालिक क्या हुआ? इस पियक्कड़ को यहाँ से कैसे भगाऊं समझ में नहीं आ रहा। जैसे अंग्रेजों को भारत से भगाना आसान नहीं था, उसी तरह इस बेवड़े को भी बाहर से भगाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करूं? पता है ना, आज मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, रीढ़ की हड्डी पेट तक पहुंच गई है। अरे चल चल निकल यहां से, निकल चल निकल, तेरी जो जाएगी निकल तेरी। हां आ गया से ले पकड़ ले। रात के 10 बजे तक तुम सिर्फ दुकान बंद कर सकते हो, लेकिन मेरे नशे के आड़े कोई माइका लाल खड़ा नहीं हो सकता। मैं श्राप देता हूँ, पूरे शहर में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर चकना बेचना तुम लोग हैं। दुआ मत दे, चकना बेचूंगा तो दारू कहाँ मिलेगा? मैं घर पे बना के पी लूंगा, तू घर में जा। बाय ड्रंकन मंक। डॉक्टर अभी राउंड पर जाने वाले हैं, आप रुकिए, वो आएंगे तो बता दूंगी। इस कंपनी में हर साल कोई ना कोई मरता है। सही कह रहे हो भाई। देखो कैसे चले जा रहा है, नजरें घुमा के जा रहा है। हाँ सर, वो बेचारा तो मर गया, सारे मजदूर बहुत नाराज हैं, पक्का ये लोग कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेंगे। अच्छा होगा अगर आप अपने पापा को इसके बारे में बता दें, ताकि मिलजुल कर कोई ना कोई हल निकाले। मिस्टर श्रीनिवास प्लीज अपनी राय अपने पास ही रखिए, मुझे हर घंटे फोन पर बताते रहे कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। अरे वाह काजू, बस वापस दे। मेरी वाइफ इसे गिन के रखती है, समझा? तू खाता ही इतना होगा। ए सुनना, फिरौती कितनी मांगेंगे? ए हमने डिस्कस तो किया था ना, 80 लाख सबके 20-20। एक मिनट, में आया अभी। कहाँ जा रहा है? इतना कंफ्यूजन क्यों है? पहले डिस्कस किया तो था। देख भाई, IVF ट्रीटमेंट पर बहुत खर्चा किया है मैंने, ऊपर से कार लोन है, हाउस लोन है, और तो और साली की शादी का खर्चा भी मेरे ऊपर है। 2 महीने का राशन मैंने क्रेडिट कार्ड से खरीदा, थोड़े और पैसे नहीं मांग सकता। और काजू जो खत्म हो रहा है उसका क्या करेगा बे? तब तक नौकरी ढूंढ लूंगा। मुझे 30 लाख की जरूरत तो है, एक बार की किडनैपिंग तो चलेगी, लेकिन उसके बाद मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है, शादी में कम से कम 15 लाख का तो खर्चा होगा ही, दहेज वगैरह सब। आई थिंक 20 लाख में मेरा काम बन जाएगा। ए, तुझे कितना चाहिए? मुझे 20 लाख तो मिनिमम चाहिए ही। 20 लाख चाहिए? एक मिनट, बता इतना पैसा क्यों चाहिए? सुन, कभी तूने ब्रांडेड जीन्स पहनी है या ब्रांडेड चश्मा? तेरे को मालूम है पार्लर में एक बार जाने का खर्चा कितना होता है? अबे सर्किट, यहाँ अपने राशन के बांधे हैं और। ठीक है ऐसा करते हैं, 1 करोड़ मांगते हैं आप, ठीक है ना? ओके। कुछ करना पड़ेगा।
Hi Dad. गौतम, कहाँ हो बेटा? हम सब तुम्हारे घर आए हैं. We are waiting for you. मैं मिल में हूँ. थोड़ा बिजी हूँ. थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ. श्रीनिवास ने मुझे सब बताया. तुम बेमतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो? वो जो कह रहा है मान जाओ ना. तो फिर आप उसी को सीईओ क्यों नहीं बना देते? मुझे जर्मनी भेज के पढ़ाने की क्या जरूरत थी? गौतम, मैं सब संभाल लूंगा डैड. आप बेफिक्र रहिए. उम्मीद है आप सब लोग जानते हैं कि अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई गई. यह हादसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले साल हुआ था. फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है उसमें एक मजदूर की मौत हो गई. मेरे ख्याल से हमें ये फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए. एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फैक्ट्री बंद कर दें. अब मजदूर यूनियन आएगी, मोर्चे होंगे, गुंडागर्दी होगी, पुलिस केसेस होंगे. इसीलिए पापा से कहा था कि सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर लेता हूँ. पता नहीं क्या लगा दो ने इस फैमिली बिजनेस से, अब मुझे भी फंसा दिया. सर, उस मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए दे देते, बाकी बाद में देख लेंगे. 5 लाख बहुत ज्यादा होते हैं शर्मा जी. तो क्यों ना एक ऐसी रिपोर्ट बनवाएं कि वो मजदूर शराब पीकर काम पर आया था. क्या कह रहे हैं आप? 25 साल उसने इस कंपनी में काम किया, उसे ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है. प्यार ही हमारा हथियार होगा. कल सुबह शहर के हर न्यूज़पेपर में एक बड़ी सी श्रद्धांजलि छपनी चाहिए. उसके परिवार को 50,000 दे देते हैं. मैं खुद उस मजदूर के घर जाता हूँ. मेरे ख्याल से इतना काफी होगा. ये गलत है सर. ओके चलो, बहुत हुआ. द मीटिंग इज ओवर. ओके थैंक यू. सॉरी डार्लिंग, मैं एक मीटिंग में था. पारू, अब पारू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत नाराज हूं आपसे. सॉरी डार्लिंग, एक जरूरी काम में फंसा हुआ था. बस घर ही आ रहा हूं. और कितनी देर लगेगी घर आने में? आधे से ज्यादा मेहमान तो चले भी गए. हाँ समझ सकता हूँ. I'm really sorry, baby. तुमने दवाएं ले ली? दोपहर वाली, रात वाली? आज इवनिंग वॉक के लिए गई थी तुम? मेरे घर आने के बाद कहीं जाने का मूड है? गौतम, आज हमारी शादी की सालगिरह है. वो मैं कैसे भूल सकता हूँ डार्लिंग. शाम को तुम्हें एक गिफ्ट मिला होगा, कैसा लगा? अभी तक खोला नहीं. क्यों? मैं तब तक नहीं खोलूंगी जब तक तुम घर नहीं पहुंचते. आधे घंटे में घर पहुंचता हूं. ठीक है, संभल कर आना. मुझे लगता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है. तुम इसे क्यों नहीं सॉल्व कर रही हो? तुम भी तो एक बोर्ड मेंबर हो. थी, पर अब नहीं हूं. तुम्हारा तो 4th महीना चल रहा है ना, अगले महीने से ऑफिस जा पाओगी? वैसे तुम्हारे अंदाजे से क्या होगा, लड़का होगा या लड़की है? इतनी जल्दी पता नहीं चलता. साइंस हमेशा पीछे ही रहता है. पॉलिची में एक ज्योतिषी रहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ. उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है. ओ, मुत्तुस्वामी जी की बात कर रहे हो? वो तो कहेंगे कि लड़की ही होगी. अगर लड़की नहीं हुई तो लड़का होगा. बहुत होशियार डॉक्टर है. क्या भी उसकी, पट भी उसकी. देख लेना गौतम को, लड़का ही होगा. तुम्हें क्या लगता है पारो? पारो तुम जाके आराम करो. सर, हमने स्विमिंग पूल के सीसीटीवी से फुटेज निकाल ली है. कमिश्नर साहब खुद इस केस को देख रहे हैं. ठीक है सर. इसलिए जरा संभल कर. जी सर. बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए. ठीक है सर. नाकाबंदी कर दो. हाँ. रेलवे स्टेशन के पास, टाउन हॉल के पास, बस स्टेशन के पास. पक्का सर. और मुझे इन्फॉर्म करते रहना. जी सर. हाँ. तुम्हें सारी डिटेल्स तो मिल गई है ना? हाँ मिल गई. उसमें एक तस्वीर भी. हाँ सर. जया. हाँ बोल. कॉन्फिडेंस से बात करना. हमने आपके बेटे आदित्य को किडनैप किया है. पुलिस को कांटेक्ट किया होगा लेकिन फायदा नहीं. बेहतर होगा उनसे कह दो कि वो किसी रिलेटिव के घर गया है. हमें बस 1 करोड़ रुपया चाहिए. कहाँ और कैसे वो हम तय करेंगे. पैसा रेडी होना चाहिए, समझ गई ना? एकदम कड़क आवाज में धमकाना है. ठीक है? ये धमकाएगी? अबे इससे अच्छा तो तू ही बात कर. लड़कियों के लिए धमकी देना बहुत नेचुरल है. क्यों, सही कहा ना मैंने? चल नंबर बोल. 9245622321. ए कहीं जाना है क्या तुझे? 9245622321. ए घंटी बज रही है, घंटी बज रही है. हेलो, हमने आपके बेटे आदित्य को किडनैप कर लिया है. मोबाइल चेक कर लो, फोटो भेजी हुई है. अगर पुलिस को कंप्लेंट की है तो कोई बात नहीं,
किसी मामा या चाचा के घर गया था ये कहकर कंप्लेंट वापस ले लेना। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 करोड़ चाहिए। इंतजाम कर लो, जल्दी फोन करूंगी। अगर जरा भी होशियारी की तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अबे, क्या इसने बच्चे की जान लेने की बात की? ये धमकी इसको किसने लिख के दी थी? पता चला, दहशत का दूसरा नाम इस रिमी को कहते हैं। गाड़ी आगे ले जरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। ए, कौन है रे तू? आधी रात यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कभी आपसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पूरा देश पब्लिक चला रही है सर, बीच सड़क पे खड़े होने का हक नहीं है हमको। क्या रे, ज्ञान दे रहा है मेरे को? अब पुलिस की नौकरी छोड़कर क्यों सर, मैं क्या नेता बन जाऊं? आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, पब्लिक की सेवा करना आपकी ड्यूटी है। ओके, टेक केयर। अबे रुक, अबे ए, गाड़ी में डाल इसको। जबरदस्ती नहीं करने का, मैं आता हूँ ना। ये लोग भी अपनी ड्यूटी दिल पे ही ले लेते हैं। सर, लॉकअप में इसकी टांगे तोड़ते हैं। मैडम, कमिश्नर साहब ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। वो चाहते थे मैं ये केस पर्सनली हैंडल करूं। आपके बेटे की फोटो मैंने सारे चेकपोस्ट पर भेज दी है, चेकिंग चल रही है। फिक्र मत कीजिए मैडम, जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे। आपको कोई फोन कॉल आया था क्या? घर पर कोई प्रॉब्लम वगैरह? आर यू श्योर? रिश्तेदार या बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, उनमें से किसी पर शक? आप हमारा साथ देंगी तभी हम ये केस सॉल्व कर पाएंगे। सर, गाड़ी रोको सर। ए, अपने हलक को दबा के बैठ, वरना हाथ डाल के हलक निकाल लूंगा। ये तो गलत बात है सर, शक्ल से तो आप लोग शरीफ लगते हैं। ए, तेरे में बहुत खुजली है ना? ए, मिटा रे खुजली इसकी। अरे अरे अरे, मारो मत, मारो मत सर, मुझे मत मारो। ये थोड़ी सी लक्ष्मी लेके मुझे छोड़ दो ना सर। अबे नीच आदमी, तेरी धुलाई की ताकि तेरी अकल ठिकाने आए, हाँ? और तू मुझे रिश्वत दे रहा है? ए, देखो इसको नीचे। सर, जहाँ से उठाया था वहीं छोड़ दो ना प्लीज। ए, तेरे को क्या मैं टैक्सी ड्राइवर लग रहा है? चल निकल। पूरा सिस्टम ही खराब है। क्या बोला? सिस्टम सिस्टम। अबे निकल। जिसकी जेब में पैसा है वो जेल से बाहर है, एक नंबर के चोर है। छे। अंधा है क्या बे? इडियट। सर, थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? वो क्या है कि बड़े लोगों के लिए ब्रेक मारना बड़ी बात है और मुझे मारना छोटी, पर आपने अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक भी मारी और मुझे भी बचाया, इसलिए मेरे आज के भगवान तो आप ही हैं सर। अच्छा ठीक है, जाओ। ओके ओके। सर सर, एक मिनट सर। क्या हुआ? मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे सर, प्लीज सर। वो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो क्या है ना कि पुलिस वाले राउंड पे हैं, वो बिठा तो लेते हैं पर सही जगह पे छोड़ के नहीं जाते, इसलिए थोड़ा। चल ठीक है, बैठ जा। कहाँ जाना तुझे? अरे आगे, जिधर मन करे फेंक के चले जाना सर। सर, ये तो बढ़िया गाड़ी है, कमाल की कार है सर। हाँ। हे, क्या कर रहा है? ये म्यूजिक क्यों बंद कर दिया तूने? मुझे मजा नहीं आया सर। क्या, तुझे मजा नहीं आया? चल निकल गाड़ी से बाहर इसी वक्त, निकल। मैंने कहा ना मुझे म्यूजिक पसंद नहीं आया, चल गाड़ी निकाल। मेरी गाड़ी में मुझ पे ऑर्डर चला रहा है? गेट आउट। बेटा, तू मेरा कैरेक्टर समझ नहीं पा रहा है, तू गाड़ी तो निकाल, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। Thank you.
जानता नहीं तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बहुत पछताएगा इसके लिए। आखिर क्या चाहता है? तुम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते ना, गेस कर मैं क्या चाहता हूँ। पैसे चाहिए क्या तुझे? वेरी गुड, कंग्रेट्स, बड़ी जल्दी समझ गया। मेरे पास इस वक्त पैसे थोड़े ना है। अबे ओ, मुझे कितना चाहिए वो तो पूछ ले, पहले ही बोल रहा है पैसे नहीं है। मैं सोच के बताता हूँ, तब तक गाड़ी चलाता रहे, गाड़ी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। सुन, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, अगर पुलिस को पता चला तो उम्र कैद होगी। पुलिस को घूस देने के बाद ही तुझे किडनैप किया है। जस्ट 1000 रुपीज, तेरी चड्डी भी 1000 रुपए से महंगी होगी। ए, तू मेरी फैक्ट्री के किसी मजदूर का रिश्तेदार है क्या? ओ, मतलब तूने अपनी फैक्ट्री में किसी के साथ तो बहुत बड़ा राड़ा किया है, मतलब तुझे लूट के पाप नहीं चढ़ेगा। बेटे, मुझे चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसे। वेरी गुड, मुझे इस वक्त जरूरत है सिर्फ 125 करोड़ रुपए की। अरे मजाक है क्या? इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं। उससे बेहतर होगा मैं तुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी देता हूँ। बढ़िया पोस्टिंग, बढ़िया सैलरी, और हाँ, एक दिन हम लोग दोस्त भी बन जाएंगे। हम लोग बिल्कुल दोस्त बन जाएंगे, मतलब जिन क्लब्स में और पब्स में तू जाता है मुझे भी ले जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। कितनी तनख्वाह देगा? 50,000 हर महीने। ओ, एक महीना काम किया तो 50,000 मिलेंगे। मस्त है ना? क्या तेरा ढीला है क्या ये वकूफ कहीं का? सुन बे, तेरी ऑडी कार में 1 घंटा तुझे धमका के 125 करोड़ निकलवाना बेहतर है या तेरी कंपनी में 1 महीने तक गदा मजदूरी करके सिर्फ 50,000 रुपया कमाना बेहतर है? तो फिर ऑडी के लिए धमकाएगा? फायदा इसी में है, सब ऊपर वाला करवा रहा है। डीजल भरवाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी रात घूमना है ना। भैया इधर आओ, टैंक फुल करना। बंदूक सिर्फ डराने के लिए लाए हो ऐसा सोच रहा है क्या? हल्की सी उंगली दबानी, मरने के एहसास से पहले ही मौत आ जाएगी तुझे। तेरा बीता हुआ कल, आने वाला कल, संपत्ति, सपने, सब गायब। मेरे पास तो खोने को 10 पैसा भी नहीं है। तू नहीं तो कोई और सही। ला दे मुझे। चलो उठ। ऐसे ही मेरा दोस्त। ए भाई, छुट्टे पैसे रख ले। ठीक है साहब। ए, अगली बार भागने का सोचा ना तो गोलियां पिस्तौल में नहीं रहेंगी। हालांकि बेवकूफी करने का पूरा हक है तुझे, समझा? आराम से करो, आराम से, कूल। धप्पा। ओके ओके, कूल कूल। दम लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा। बेटा बेटा, अरे यार, उसने तो अंदर से बंद कर दिया। अब तो उसे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो मेरी खाल उतार देंगे, और अगर ये भाग गया तो नहीं नहीं नहीं, राम राम राम, वो बाहर निकला तो 125 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा। 25 पैसे कहां से लाऊंगा? गुल्लक में देखता हूं। अरे बाप रे, यहां तो पुलिस खड़ी है।
अब क्या करेंगे? गाड़ी रोक के कंप्लेंट तो नहीं करेगा? ए, कुछ पूछ रहा हूँ ना? मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, तू जो बोल रहा है वो गैर कानूनी है, पता है ना तुझे? रोक लेना। अरे बाप रे, तो रिश्वत वाले हैं। क्या साहब, क्या ये सर, आप अभी तक घर नहीं गए क्या? सर, क्या ये आपका दोस्त है? नहीं, ये मेरा भाई है। भाई है? अरे इसको देख के लग ही रहा था कि ये पैसे वाले घर का लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। और आप लोग जाइए, फिर मिलते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जरूर। देखी पैसे की ताकत, देखी। क्यों बेटे, क्या सोचा? ए, ये मेरी बीवी का फोन है, अगर नहीं उठाया तो उसे फिक्र होगी। हेलो गौतम। ओ, तेरा नाम गौतम है क्या? मेरा नाम मनु, मनो भारती महेश्वरन। अच्छा गौतम तो नहीं है। अच्छा कौन, जीजो बोल रहे हो? जीजो कौन है? अरे मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अब साहब ही मेरे काम वाले, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, ऑल इन ऑल सब कुछ हैं। कौन हो तुम? मैडम मेरा नाम है मनो, मैं वो हूँ जिसने आपके हस्बैंड को गन पॉइंट पे किडनैप किया। ये सारा खेल पैसे का ही है। मुझे चाहिए 1,25,00,000 रुपए सिर्फ। देखो मजाक मत करो, उसे अभी फोन दो। क्या मैडम, आप भी ये ले, भाभी बात करना चाहती है। परो, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी ही। बस अब भाभी को चिंता तो होगी ना श्रीमती पारू जी। प्लीज उसे छोड़ दो, उसके पास पैसे नहीं है। क्या मैडम, आप भी मुझे गांव वाला समझाए, इसके पास पैसे होंगे, कहीं छुपा के रखे होंगे टैक्स से बचने के लिए। ठीक है, आप धर्मपत्नी हैं, आप ही बताइए पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं? क्या चावल की गोनी में या टाइल्स के नीचे वहीं छुपा के रखे हैं, या बिटकॉइन में तो नहीं लगा दिया? मतलब पैसा है ही नहीं। देखो लॉकर में कुछ पैसे रखे हैं, तो उस लॉकर में से 1,25,00,000 रुपए निकालना, एक बैग में डालना, फिर मुझे फोन करना है। वो मैं नहीं कर सकती। क्यों 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 क्यों? सुनो, लॉकर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। काय को टेंशन दे रहे हो यार, ये सब पहले नहीं बता सकता था क्या? अच्छा सुनिए, अब एक काम कीजिए, वो घर के बाहर आपका कूड़ादान है ना अपना, वहां आकर वेट करना। हेलो, मतलब तुझे पता था मेरा घर कहाँ है? कौन है तू, किसने भेजा तुझे? अबे ढक्कन, कूड़ादान तो हर घर के बाहर होता ही है। अच्छा तेरे को अपने शहर के बारे में एक बात पता है कि नहीं? हर घर के बाहर कूड़ादान होने के बावजूद लोग सारा कूड़ा बाहर ही फेंकते हैं, ये जानते हुए भी तू क्या रॉ एजेंट बन रहा है बे? ओ, तो यही अपनी भाभी है क्या? हेलो मैडम, मैं ही हूं मनो, आपसे फोन पे बात हुई थी ना, ये जरा मुझे देंगे? मिस्टर गौतम, अब करना क्या है कि सीधे घर जाना है, मेरे पैसे उठाने और अपने दिल के टुकड़े को फोन करना है, बाकी बातें मिलके करेंगे। ओके, आप गाड़ी में बैठिए ना मैडम। नहीं नहीं, गाड़ी में क्यों? अच्छा सुनो, ऐसा मत करो, मेरे साथ चलो, मैं पैसे दे दूंगा, भगवान के लिए ऐसे कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। अरे मालिक, मेरे को रिस्क नहीं लेने का है, घर पे सीसीटीवी कैमरा होगा, कुत्ता होगा, काय को सबूत छोड़ना पुलिस के लिए। चलो एक काम करते हैं, अपना अंगूठा काट के अपनी बीवी के हाथ में दे दे, वो फिंगरप्रिंट लगा के पैसे लेके आते हैं।
मेरे पास चाकू तो नहीं है, बस ये बंदूक है। क्या करें? ठीक है, मैं खुद जाकर पैसे ले आता। गुड, जाओ। डोंट वरी, जल्दी आ जाऊंगा, डरना मत। अरे भाग के जा और दौड़ के आ। भाभी जी, आप गाड़ी में बैठो। ओ फैक्ट्री मालिक, जल्दी जाना। अपनी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हर पति की तरह तू भी अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहता है तो इत्मीनान से पुलिस के पास जाना। ओके, टेक केयर। समझा ना? नहीं? तेरे पापा को बोल तुझे लेके जाए। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे समझाऊं। सर, ये लोग आ गए। सर, इस घर के मोबाइल फोन पर आए हुए सारे कॉल्स को ट्रैक करो और उसकी डिटेल्स मुझे दो, ठीक है? मुझे सिर्फ 5 मिनट 20 सेकंड्स चाहिए। हाँ, अजीब है, यूनिफॉर्म नहीं पहना। सर, आज का ड्रेस कोड यही था। ओ, ठीक है, ये लो। कौन है ये जोकर? 5 मिनट और 20 सेकंड्स वाला, इतने कम टाइम में क्या पता लगा लेगा? ओवर स्मार्ट कहीं का। भाभी जी, डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। सीट पीछे करके आराम से बैठो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। वो क्या है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, अगर भाग के जाओगे भी तो कहाँ जाओगे? ये आप ही का शहर है ना, क्या डर के मारे घर में छुपने का प्लान है? मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। वो मेरे हाथ में आ गया तो तुम भी खुश और मैं भी खुश। क्या हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? कोई बात नहीं भाभी, आराम से बैठो, आप ही की गाड़ी है। मुझे देख लो, अपनी गाड़ी की तरह मजे से चला रहा हूं।
अच्छा आपके पति जो है वो ठीक से पैसे लाके दे देंगे या घबराहट के मारे पुलिस के पास चले जाएंगे? उसे तुम्हारी जान की चिंता नहीं है? नहीं, वो तुम्हें ऐसे मेरे पास छोड़कर खुद तो भाग गया। देखो मुझे थोड़ा शक हो रहा है उस पे। वो तुम्हें पैसे दे देंगे। ओ, दे देंगे? अरेंज मैरिज है क्या? अरेंज मैरिज। जब सवाल पूछूं तो जवाब देने का। अच्छा, दहेज में कितना दिया होगा आपने अपने प्यारे गौतम को? 200 तोला सोना। हाँ। 2 करोड़ कैश। हाँ। और ये कार। हाँ? अरे बाप रे, मैं तो बेहतर निकला ना। आप दोनों से खाली 1.25 करोड़ मांग लिए। गलती कर दिया मनु। चलो कोई बात नहीं, लंबा जिएगा। क्यों फैक्ट्री मालिक, पैसा तैयार है ना? मेरे पास 25 लाख कम है। मैंने अपने एक दोस्त को कहा है लाने के लिए, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अभी इस वक्त 1 करोड़ दे दूं चलेगा क्या? मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना मांगे उतना तैयार करो फिर फोन करना। गौतम, तुम कर क्या रहे हो? गौतम पारू, फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पारू लगा रखा। पारू को मैं संभाल रहा हूँ ना, तू पैसा जमा कर चुपचाप। क्या भाभी, लगता है आपका पति आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन में भी भाव तोल कर रहा है। और क्या पूछूं? अच्छा, शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? कुछ पूछ रहा हूं। अरेंज्ड मैरिज। वो पता है मुझे, शादी से पहले कोई रहा होगा ना, वो पूछ रहा हूं। आप सही पूछ रहा हूँ? एक था। लगा ही था मुझे। उसके बाद मैं बताऊँ क्या हुआ होगा? तुम दोनों का चला नहीं होगा, इसीलिए ब्रेकअप कर लिया होगा, यही ना? प्रॉब्लम्स थी। ये लड़कियां भी ना एक शब्द में ब्रेकअप करना जानती है। प्रॉब्लम्स थी। अच्छा खाना बनाया है। सच में? तुम तो हमारे यहाँ शेफ की नौकरी कर लो, तीनों पार्टनर्स बन जाते हैं, क्या कहता है? ए, मैंने MBA की पढ़ाई रसोई में जाने के लिए नहीं की है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, यू नो। ओ हेलो, तुम चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लो, शादी के बाद अपने पति और सास ससुर के लिए खाना बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, कहाँ गए वो दोनों? मुझे तो लगता है डर के मारे कहीं भाग गए होंगे। ए, फिल्म देखने दे। ए, अरे थोड़ा धीरे हंसो ना। नहीं, वो गंजा हमें देख के घूर रहा है इसीलिए। तो मैं क्या उस गंजे को डेट कर रही हूँ? क्यों बात बात पे गुस्सा हो जाती है? डालो।
लगा के ट्रिगर पे हल्का सा दबाया तो चलेगा। मेरा चैप्टर खत्म। कोशिश करेंगी? एक, दो, तीन। बंदूक को ना छीन के कुछ नहीं होता, चलाना पड़ता है। बाहर निकलो। ए, क्या हो गया? लाओ जरा देखूं। देखने दो, कुछ नहीं करूंगा। हाँ जरा संभल के। काय को हीरो बनने की कोशिश की? रेसिंग ड्राइवर बनने का शौक है इनको। अच्छा, गाड़ी में फर्स्ट एड किट है? कौन रखता है आजकल? नहीं। खाना, उसके बाद टॉफी। तुम्हें एक नहीं दो दो दूंगा, ठीक है? चॉकलेट खाएगा? मारू इसको और मारू। हाँ रॉबिन, बस हो गया। इसका रोता हुआ चेहरा बस इसके मम्मी डैडी को भेजना है। उनको डर लगेगा तभी तो वो लोग हमारी मांग पूरी करेंगे। आराम से भाई, इतना मारने की जरूरत क्या थी? अब बच्चे को तो नहीं मार सकते ना यार। चल इसके बाप को ये वीडियो व्हाट्सएप कर। रमेश, कॉल करके उनको बोल दे पैसे लेकर रेस कोर्स रोड के पास आ जाए। उस्ताद, फोन आ रहा है। हेलो। हेलो शकुंतला, मुझे अभी पता चला हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लोकेशन ट्रैक करके देखो। आदित्य, इसको इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। ये आदित्य के पापा। मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। मैं तुम्हें फिर से कॉल करता हूँ, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, मैं आ रहा हूँ बस। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए ना। क्या जल रहा है? क्या ऐसे ही जलेगा? क्या जरूरत थी भागने की, टाइम वेस्ट किया मेरा। लाइसेंस के लिए गाड़ी चला के दिखाई थी कि घूस दी थी? Mm-hmm.
हेलो पैसे तैयार हैं? मुझे कहाँ आना होगा? अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:01 हैं? इसका क्या मतलब है? मतलब एक बजने में एक मिनट। हाँ? अच्छा अभी एक काम करना, बांगुर नगर के पास एमजी रोड पे जाना। ठीक है। वहाँ राइट में एक ज्वेलरी की दुकान है। हाँ। वहाँ से दूसरा लेफ्ट लेना, मुड़ते ही एक पराठे वाला होगा। उसके पास गर्मा गर्म आलू के। ए, क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पैसे लेकर खड़ा हूँ। अरे ऐसे में पैसा खाएगा क्या? कैसा गधा आदमी है। देख यार मुझे बहुत भूख लगी है, ऊपर से पी रखी है, मुझसे फालतू बकवास मत कर। ठीक है। उस दुकान पे जाना, मस्त अचार डाल के गर्मा गर्म आलू का पराठा और साथ में प्याज और हरी मिर्च डाल के ऑमलेट बनवा देना, और साथ में अपना क्या कहते हैं वो, क्या, हाँ कीमा वड़ा 5 बनवा दे। ये सब पार्सल करवा के मुझे फोन करना, ठीक है ना? ए, सुन, ये कोई खेल चल रहा है क्या? चल तो रहा है, क्यों तू नहीं खेलना चाहता? मुंह खोल के जवाब दे। ठीक है आता हूँ। तेरे पास टू व्हीलर है क्या? टू व्हीलर? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, तुमने पैसे मांगे वो पैसे ला रहे हैं, और क्या चाहते हो अब तुम? बेवजह उन्हें क्यों दौड़ा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? छे, कभी तो अपनी ज़बान पर अड़े रहो, पता नहीं क्या चाहते हो। वेलकम सर, क्या खाएंगे? हाँ वो एक 4 अंडे का ऑमलेट बना दो। ठीक है। और साथ में एक पनीर पराठा भी। हाँ हाँ ठीक है। ये सब कुछ पार्सल कर दो। 2 मिनट वेट कीजिए सर, अभी बना के देता हूँ। साहब नमस्ते। साहब मैंने आपसे नमस्ते की, आपने जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं साहब, हम दोनों मिलके एक ड्रिंक शेयर करें क्या? कि तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। एक पौवा, बगल में ही दुकान है, वो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो हम दोनों मिलके एक पौवा पी सकते हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। मैं 5 मिनट में आया। आप यहाँ बैठ गए? मैं आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और आप है कि यहाँ बैठे। वहाँ पे आपको मच्छर काट रहे होंगे ना? मच्छर हर जगह पीछा करते हैं। नहीं ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तुम पियो। नहीं साहब बेफिक्र होकर घटक जाइए, पड़े पड़े ग्लास में सूख जाएगी, और मैं इतनी नहीं पीता, घटकिए। मुझे कोई दुख नहीं है, पर मुझे नहीं पीना, प्लीज तुम पियो। साहब आप जैसा अमीर आदमी यहाँ मुंह लटका कर बैठा है, मैं समझ गया था जरूर कुछ लोचा है। परेशानी अमीर गरीब नहीं देखती, गरीब आदमी भी चेहरा पढ़ना जानता है। साहब फिकर को इसमें डालो और पी जाओ, ये पीकर शेर का भी सामना कर सकते हैं। है डालना शुरू हो रहा है, बेड़ा झूठ नहीं बोलता क्या? अब तुम नहीं पियो? क्या है ना साहब, अपन को डेली पीने की आदत है, तो ये प्लास्टिक के ग्लास में मेरे को नहीं चढ़ती।
इसलिए मैं ये कांच का ग्लास लेकर साथ में चलता हूँ। अच्छा चीयर साहब। आवाज तो चढ़ेगी भाई, मेरे हिसाब से ये गलत है। कल तक मैं जानता भी नहीं था कि हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बन गए हैं गुरु। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ए, ये पाप है। तू रोना धोना बंद कर। भलाई करने से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है, समझा? पता है अमीर कैसे हैं? गरीबों को लूट के अमीर बने। तो हम गरीब क्या गलत कर रहे हैं इन्हें एक बार लूट कर? बोल। यही अमीर लोग हमें सैलरी दे रहे थे, भूल गया? अब नौकरी चली गई तो गुस्सा कर रहा है। ऐसी नौबत नहीं आती अगर नई नौकरी ढूंढते तो। नई नौकरी ढूंढे? कुछ भी बोल रहा है येड़ा। कहने को तो आईटी है लेकिन मजदूरों जैसा काम है। पहले आलीशान लाइफस्टाइल की लत लगाते हैं तभी तो ये नौकरी जरूरत बनती है, नहीं तो कौन करेगा? फिर नौकरी जाने के डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस समाज में रहने के लिए या तो हमें अधिकार चाहिए या फिर पैसा। कसम से देखने में तेरी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज इतनी मैच नहीं करती रे। साहब इस बैग में क्या है? पैसा। साहब मैंने इतना पैसा आज तक सपने में नहीं देखा, पता नहीं जिंदगी में देख पाऊंगा भी कि नहीं। साहब आपको बुरा ना लगे तो क्या एक झलक दिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं। बाप रे क्या कर रहा है साहब, मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में इतने पैसे देखने नसीब होंगे। मेरी ख्वाहिश पूरी की, ऊपर वाला और देगा आपको। जान गवा कर भी आदमी इतना पैसा नहीं कमा पाता साहब। मेरा छोटा भाई 5 दिन पहले काम करने के लिए गया, सीमेंट की लादी उसके सर पे गिरी और वो खत्म। मरने की उम्र नहीं थी, बीवी और एक बच्चा है साहब। तो पैसे कमाने गया था लेकिन जान गवा बैठा। अब उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। कहाँ मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने बैठ गया? उम्मीद है आप इतनी परेशानी में ना हूं। लो भाई तुम्हारा, और जो भी है वो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है ठीक है, क्या हुआ साहब? अब मैं चलता हूं। तुम ये पैसे रख लो। नहीं 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 साहब, पैसा नहीं चाहिए मेरे को। तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे भाई के लिए है। अब मैं चलता हूं। साहब ये पैसे रख लो, ये पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे ये तुम्हारे भाई की फैमिली के लिए है भाई। सुनो साहब, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जरूरी है इंसान में इंसानियत होना। बड़े बोल माफ करना। सुन
ये आदित्य के पापा है। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, बैठो। बिल्कुल चिंता मत कर। कोकिला का घर यही है। हेलो मैम, योर पिज्जा। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। आपने ऑर्डर नहीं किया? नहीं। हाँ तो घर में कोई बच्चा या कोकिला? हाँ माँ। हाँ आई ना। तूने कुछ ऑर्डर किया था? मैंने कुछ नहीं मंगाया। हाँ मैंने ऑर्डर किया था। ओहो माँ देख लेंगी, जाओ यहाँ से। इतनी मेहनत से पिज्जा लाया हूँ, पप्पी तो दो। जाओ ना। अच्छा इस तरफ। अबे गधे, अब तो कैसे बचेगा? क्या है माँ, कुल मिला के 64 ही तो घर हैं, जहाँ घोटी रखो डांटने लगती हो। बहुत बड़ी ग्रैंड मास्टर समझती हो अपने आप को। अपने जमाने में ग्रैंड मास्टर्स को 20 मिनट में हरा देती थी उन दिनों में। अपने पुराने दिनों का पुराण बंद करोगी? मैथ्स में टॉपर, पोस्ट ऑफिस की नौकरी, यही सब ना। चहकती तो ऐसे हो जैसे कलेक्टर थी। IAS की एग्जाम भी क्लियर कर देती मैं। वो तो तेरे पापा थे जो चाहते थे मैं हाउसवाइफ बनकर रहूं। फिर तू पैदा हो गया, उन्होंने मिल, यूनियन और एम्प्लॉइज को अपने हक दिलाए, कर्ज का भार मुझ पर थोप दिया। मैंने अकेले तेरी परवरिश की और कर्ज भी चुकाया, मालूम है ना? हाँ तो अब तो कर्जा चुक गया ना, एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और मेरी शादी करा दो। ए गधे, वो मेरा प्यादा है। ओके, कमरे में अंधेरा है ना तो सारी गोटियाँ काली दिख रही है, मुझे लगा ब्लैक गोटी है। चल अब एक राउंड आप अपने साथ खेलो, मैं आता हूँ। हेलो। हेलो, टेल मी कोयल। क्या कहा? कोयल कहा? कोयल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोकिला, मीठी कोयल। अच्छा, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, कई दिन से माँ जान खा रही थी कि मुझे चेस खेलना सिखा दे बेटा। अच्छा वो तुमने फोन कर लिया, मैं बच गया। रुको बाहर आता हूँ। मुझे और बताओ तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, टेरेस पर टहल रही थी, मम्मी पापा के साथ अनबन हुई। क्यों, अमेरिका से कोई रिश्ता विश्ता आया है क्या? नहीं वो बात नहीं है, असल में कोई एक पुरानी बेकरी बेच रहा है, उसे खरीदने के लिए पापा से पूछा पर उन्होंने मना कर दिया। ए, इस बात पर झगड़ा चल रहा था? मैंने माँ के गहनों को गिरवी रख दिया। अरे बाप रे। वैसे भी लॉकर में पड़े हुए सड़ रहे थे तो मैंने सोचा थोड़े काम आ जाएंगे। तुम खानदान का चिराग हो, ऐसे सोना गिरवी रख दिया तो शादी के टाइम क्या करोगी? तुम भी ना बिल्कुल उन्हीं की तरह बातें करते हो। तुम क्या कह रही हो, मैं भी तुम्हारे फैमिली का आदमी हूँ, तो फैमिली वालों की बात अनसुनी नहीं करते। हेलो, मेरी जिंदगी है, सही गलत का फैसला कर सकती हूँ। ठीक है, कल सुबह कहाँ मिलने वाले हैं? अग्री पार्क में। ठीक है माँ, 1,000 रुपया दो ना। अलमारी में रखे हैं, जाकर ले ले। मांगते ही दे रहे हो, कितनी अच्छी माँ हो तुम। सारे पैसे सूद समेत अपनी बहू से शादी के वक्त वापस ले लूंगी, अब जा। प्लान बना के बैठी है बुढ़िया। हेलो मेरे प्यारे शहर के लोगों, मैं हूँ आरजे विद्या। गाड़ी लोड हो गई है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है जेंटलमैन, और ये शो सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वर्ल्ड वुमेन्स डे। मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन आज के शो का सबसे अहम सवाल है हेलो हेलो हेलो, अब तक सो रहे हो ना? तुम निकलने वाले हो या नहीं, मैं कितनी देर इंतजार करूं? निकल गया रास्ते में हूँ। हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट? और क्या? मेरे लिए? नहीं मेरे लिए। हग मी, थैंक यू। कौन है ये ब्यूटीज? The most successful women entrepreneurs. सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन। ओह,
इस लिस्ट में मेरा भी जल्दी नाम होगा। क्यों, दुनिया की बेस्ट हाउसवाइफ्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए? अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो। नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे। मेरे पापा वहाँ खड़े हैं, प्लीज जल्दी चलो। चंद्रमौली, भाई मैं बहुत खुश हूँ यार। पर क्यों? उससे जो गिफ्ट लेके दिया ना, उसे देखकर उसकी खुशी अलग थी भाई। छोटी बच्ची की तरह हो गई थी वो। समझ गया, उसके चेहरे पर खुशी देखकर तुम खुश हो। पता है क्या हुआ? आज जब हम बाइक पे जा रहे थे ना, उसका बाप दिख गया हमें। ये तो अच्छा हुआ उसने हमको नोटिस ही नहीं किया। ऐसे डर डर के कब तक जिएगा? जाकर उसके बाप से उसका हाथ मांग ले। पहले मुझे लाइफ में सेटल होना है भाई, मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ना है। मेहनत करके किसका भला हुआ है? हैं, फिल्में नहीं देखता क्या? क्यों बे, तुझे क्या लगता है गधा अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करता क्या? क्या वो जंगल का राजा बनता है? एक बात याद रखना, 3 साल काम करने के बाद भी तेरी पगार 2000 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता मैं। दिमाग में घुसा? तू लास्ट में जो बोला वो समझ में आ रही है मुझे। सुन, शादी कर ले और जिंदगी का नया पन्ना पलट। तुझे असली मेहनत वहां करनी है। तुझे ऐसा लगता है? मुझे तो यही लगता है। ए? कौन सा गाना सुन रही हो? ए, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? इतना बुरा मत मानो, आओ बैठ जाओ। चलें क्या? मनु, मुझे गणपति बप्पा के मंदिर जाना है। मैं तुम्हें उससे भी बढ़िया जगह पे लेके चलता हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कॉफी पीनी है। अच्छा ठीक है, वहीं चलते हैं। लीजिए, आपका महल आ गया। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? चलो तो बताता हूँ, चलो सीधा पैर अंदर रखो और आओ। अरे ईश्वरी, तुम कहाँ हो? अभी आती हूँ। ये कौन है? क्या पता? माँ। मनो, ये कोकी है, अपनी कोकिला मणि। क्या करती हो बेटा? मैं एक बेकिंग यूनिट की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ आंटी। ओ गुड गुड, मेरे जमाने में ना मैं ठीक है चल इसे अंदर ले जा, मैं अभी आती हूँ। आओ ना। अरे सुनो बेटा, यहाँ आओ, इधर आओ, आओ आगे आओ। माँ ये क्या कर रही है तू? वो सीमा की बेटी है ना, देखने में बिल्कुल इसके जैसी है। मुझे कपड़ा दे गई थी एक कुर्ता सिलने के लिए, मैं उसका नाप लिखना भूल गई। अरे माँ, उसका नाप लेना चाहिए था ना। अरे भूल गई, इसलिए तो इसका नाप ले रही हूँ। सॉरी, इसे ले जाकर अपना पूरा घर दिखा दो, और सबसे जरूरी ट्रॉफी वाली तस्वीर दिखाना, समझे? हाँ, दिखाता हूँ। जाओ जाओ, दिखा दो, मैं आती हूँ। अरे आओ। कैसा लगा ये कमरा? हाँ? नहीं, ये मेरा कमरा है, पूछ रहा था कैसा लगा। लग रहा है जैसे तुम्हारी माँ ने सारी बेकार चीजें एक ही कमरे में ठूस रखी हैं, जैसे कि तुम। ओ हेलो, ये सब मेरे काम की चीजें ही हैं। मम्मी क्या है, बहुत बिजी हैं। उन्हें ये सब साफ करने को कहा तो ड्रामा करेंगी, तुम्हारे आने के बाद साथ मिलकर साफ करेंगे। हाँ? कुछ नहीं, तुम आओ ना, तुम्हें घर दिखाता हूँ ना। जो देखना था देख लिया। Thank you.
इन बिल्लियों ने तो नाक में दम कर रखा है। ये लो बेटा चाय। किसकी बात चल रही है? हाँ पता नहीं उसने क्या तो बोला था। ये ले। शादी करोगी मुझसे? हाँ? नहीं अगर तुम्हारी मर्जी हो तो शादी कर लें। इतना सोचो मत जानो, जल्दी बताओ ना। अरे ये बातें तो कभी खत्म नहीं होने वाली। ओहो, तुम्हारे आने के बाद इस घर में सब कुछ बदल देंगे। पहले तो माँ को रेस्ट देना है, दिमाग खराब करके रख दिया। एक मिनट प्लीज। मुझे घर जाना है, कुछ अर्जेंट है। क्यों, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। आओ तुम्हें छोड़ के आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, मैं चलती हूँ आंटी। कुछ खा के तो जाओ बेटा। आंटी किसी और दिन, फिलहाल मुझे जाना है। अजीब लड़की है, शायद तूने उसे कुछ कह दिया होगा इसलिए अचानक उठकर चली गई। उसके घर पे कोई काम आ गया होगा ना। तू जाने, तेरा काम जाने। अच्छा हो सकता है उसके पापा ने हमें देख लिया हो, इसीलिए फोन ना उठा रही हो। सही कहा। रोज सुबह मैं ऑफिस पहुंचकर तुम्हें ही कॉल करता हूँ, उसके बाद मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। सच में? सच में? वाकई सच कह रहे हो? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। फोन करता हूँ तो उठाती क्यों नहीं? देखो मनु, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मैं संभाल लूंगी। तुम इन्हें जानती हो? हाँ। तुम जैसी लड़कियाँ औरतों का नाम खराब करती हैं। मनु अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ए, इडियट! ए, ये क्या लगा रखा है? हाँ? गुंडागर्दी कर रहे हो? ले जाओ इसे। चलो मेरे साथ। तमीज कहीं का। आर यू ओके? ले जाओ। थैंक यू। चल। ये लड़कियां हमेशा पैसे के पीछे क्यों दौड़ती रहती हैं? किसी को दिल से ज्यादा चाहो तब भी पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब जिसके पास हो उसी से शादी करती हो, हैं? क्या तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड वो भी गरीब आदमी था ना? लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तुम मुझे से पूछ रही हो। बिना सोचे समझे तुम किसी भी लड़की पर इस तरह का घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ओ हेलो, मैं किसी भी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चा प्यार किया था उससे, मुझे धोखा देकर एक अमीर आदमी के साथ भाग गई। लड़कियों के लिए सच्चे प्यार से ज्यादा पैसे क्यों मायने रखते हैं? और क्या होगा, एक आराम की जिंदगी, शॉपिंग, कार, बंगलो, बंगलो में पालतू कुत्ता, यही सब चाहिए ना तुम्हें?
सिक्योरिटी। पैसा और इज्जत एक लड़की को सिक्योरिटी देते हैं, और ये सब एक आदमी एक औरत को कभी नहीं दे सकता। समझाओ। तुम्हारी इस बंदूक से आज मुझे गौतम के पैसे ही बचा सकते हैं, खुद गौतम नहीं। जो लड़कियां ट्रेन से जाती हैं, रात को सड़कों पे चलती हैं, उन्हीं का रेप होता है। मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारी ये फिलॉसफी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें यूं ही छोड़ के चला गया, इसका मतलब मैं भी छोड़ के चला जाऊं? पहले तो उसे मरना होगा, या ऐसे जीना होगा कि मैं उसे कभी भी मार सकता हूं। ए, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सतीश में और तुम में कोई फर्क नहीं है। छे, तुमने मुझे उसकी याद दिला दी। सच कहूं तो तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। जो बातें मैं उससे नहीं कह पाई अब तुमसे कह रही हूं। Do you know who I am? तुम्हें लगता है कि मैं मिसेस गौतम हूं? तुमने तो मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा। आज से 6 साल पहले I was the youngest and most successful female entrepreneur in South India. मैं अपने सपने पूरे करने की रेस में लगी हुई थी। सतीश मुझसे बराबरी नहीं कर पा रहा था। ईगो क्लैश। उसने मुझे पीछे हटाने की पूरी कोशिश की। हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद गौतम के साथ अरेंज्ड मैरिज हुई। गौतम का बिजनेस पहले मैं चलाती थी, जानते हो तुम? जो पैसे तुम मांग रहे हो ना, अगर वही मुझसे मांगते तो मैं तुम्हारे मुंह पर मारती और गौतम को जल्द से जल्द छुड़ा लेती। एक ऐसा भी वक्त था जब उस लॉकर को खोलने के लिए मेरे अंगूठे की जरूरत पड़ती थी। शादी के 1 साल बाद भी मैं मां नहीं बनी तो अचानक से मेरी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि मैं मां नहीं बन पा रही थी। उन्होंने कहा ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो। पिछले 3 सालों में हर डॉक्टर के पास गई, हर मेडिकल टेस्ट करवाया। अब जाकर मैं पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट हूं। लड़की चाहे कितनी भी कामयाब क्यों ना हो, रहेगी लड़की ही। सेक्स करने वाली एक चीज, बच्चे पैदा करने वाली। मेरी उससे शादी हुई होती तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखता। ख्याल रखते हैं? तुम्हें पता है गौतम मेरा कितना ख्याल रखता है? अंदाजा है उसका परिवार मेरा कितना ख्याल रखता है? किस लिए? क्योंकि मेरे पेट में उनका वारिस है, और यही वारिस एक दिन उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, उनके परिवार का नाम रोशन करेगा। मुझे यकीन है तुम भी उससे वही चाहते। ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे पापा, मेरे पापा, सारे मर्द यही चाहते हैं। ए, क्या कहा? मैं उससे प्यार करता था, उसके साथ जीने का ख्वाब देखा था, और वो मेरे सपने तोड़कर मुझे धोखा देकर चली गई। इसमें हमारे बाप की क्या गलती है? क्यों, दादा की गलती नहीं हो सकती है क्या? हाँ, तो वो भी ऐसे ही होंगे। हैं? पैर में ही चोट लगी थी ना, सर में तो चोट नहीं आई। ये जो जाति, धर्म, परिवार, परंपरा, संस्कार है, ये सब किसने बनाए हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों पर किसका कंट्रोल है? मैं इतिहास में बहुत वीक था मैडम। मर्द ही है। इस दुनिया की सारी औरतें मर्दों की छत्रछाया में जीती हैं। हमेशा मर्द ही तय करते हैं कि एक औरत को कैसे जीना चाहिए। औरतें तो बस उनकी नौकरानी हैं। ए,
क्या क्लास ले रही हो क्या? गलत नहीं कह रही हूँ मैं, कह रहे थे उससे बड़ा प्यार करता हूँ। कभी तुमने उससे इतना पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है, उसके क्या सपने हैं, वो क्या बनना चाहती है? उसने मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? उसने जरूर किसी न किसी बहाने से तुमसे ये कहा ही होगा, पूरी कोशिश की होगी कि तुम उसकी बात को समझ सको। लड़कियां कभी किसी लड़के की दौलत देकर उसके पीछे नहीं जाती। अगर लड़का सिर्फ 10 रुपए भी कमा कर लाए ना, तो लड़कियां उन पैसों में घर चलाना जानती हैं। और तो और अगर वो चाहें तो मर्दों से ज्यादा कमा सकती हैं, लेकिन मर्द ही उन्हें रोकते हैं। लड़की के बड़े हो जाने पर खुद के फैसले लेने का हक नहीं रहता उसे। हर एक के साथ यही होता है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भी। हाँ तो क्या, धोखा देकर जाने वाली को डांटने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब पता लगाने के बाद डांटे? और नहीं तो क्या, प्यार का मतलब सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होता। चल, अगर एक बार उसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते तो उसकी इज्जत भी करते। ये ड्रेस मत पहनो, इसके साथ मत जाओ, ये मत करो, ये सब नहीं कहते तुम उससे। बॉयफ्रेंड के बस स्टैंड पर वेट कर रही थी और उसका गैंग रेप हो गया, अब इसमें उसकी क्या गलती थी? बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और उसे चैन से जीने दो। ये सारी बातें मर्द अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कहनी पड़ती है। अरे, ए, ए, उठो। ए, रुको रुको, एक मिनट, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ मुझे। जी। Hey, सर, टू व्हीलर्स को चेक मत करो, जाने दो, फोर व्हीलर्स को चेक करो। ठीक है सर। साइड में लो, साइड में लो। चलो उस गाड़ी को उठाओ, डिक्की चेक करो उसकी। गौतम, पैसा और खाना गाड़ी के बोनेट पे रख दे और 10 कदम पीछे हो जा। ऐसे क्यों? पारो, पारो, पारो को क्या हुआ? पारो क्या भाई, प्रेग्नेंट औरतें बेहोश हो जाती हैं जानता नहीं है क्या? जा निकल। अबे जा ना। ए, चल चल। तुझे तेरे पैसा तो मिल गया ना, अब तू उसे छोड़ता क्यों नहीं है? मालिक, पैसा परेशानियों को दूर नहीं करता है, बल्कि उन्हें शुरू करता है, हमें ही उन्हें दूर करना होता है, समझे? जच्चा और बच्चा सुरक्षित है, अब ना पैसे को जहां मैं कह रहा हूं लेकर आ जाओ, चलो। ए, रुक।
तुमने उससे इतना पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है, उसके क्या सपने हैं, वो क्या बनना चाहती है? मैथ्स में टॉपर, पोस्ट ऑफिस की नौकरी, यही सब ना? IAS के एग्जाम भी क्लियर कर देती मैं। वो तो तेरे पापा थे जो चाहते थे कि मैं हाउसवाइफ बनकर रह जाऊं। फिर तू पैदा हो गया, उन्होंने मिल, यूनियन और एम्प्लॉइज को अपने हक दिलाए, कर्ज का भार मुझ पर थोप दिया। द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इस लिस्ट में मेरा भी जल्दी नाम होगा। प्यार ही हमारा हथियार होगा। कल सुबह शहर के हर न्यूज़पेपर में एक बड़ी सी श्रद्धांजलि छपनी चाहिए। उसके परिवार को 50,000 दे देते हैं। मैं खुद उस मजदूर के घर जाता हूँ। आखिर मेरी बच्ची को बेड कब मिलेगा? भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बस। जान गवा कर भी आदमी इतना पैसा नहीं कमा पाता साहब। बाप रे, भूख लगी है। ये जगह बढ़िया लग रही है, यहीं रुक के खाते हैं। आपके लिए भी मंगाया भाभी। घूर क्या रहे, उठाओ और खाओ। ये अपने लिए ना सही, आपके पेट में जो बच्चा है उसके लिए तो खा लो। आपके पति हैं, ऐसे खड़ा है जैसे बस का इंतजार कर रहा हो। आपने अभी नोटिस किया क्या? गौतम भाभी ये देखो। अब ये आदमी कौन है? उसके पापा को बोला था पैसे लाने को। अबे अपने को क्या करने का है, पैसा लेके रफू चक्कर होने का है बस। ए, तुम लोग कौन? अरे तुम्हारा बॉस कहाँ है? क्या हुआ? इसके पास गन और ब्लूटूथ दोनों है, बता क्या करना है जल्दी। मुझे नहीं लगता वो अकेला आया होगा। बच्चे को मत छोड़ना और उस आदमी को भी किडनैप कर ले। जो कह रहा हूँ वो कर जल्दी। क्या कर रहे हो? चैन से खाने भी नहीं देते। पैसे मांगे थे मैंने दे दिए हैं, अब हम दोनों को छोड़ दो। क्या रे, एनकाउंटर करने आया था? तुमने जो कहा गौतम ने सब कुछ किया। अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितने लोग हैं तेरे साथ? मैं अकेला ही आया हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? हमें क्या बताओ? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारा लीडर कहाँ है? उसने मेरी बीवी को किडनैप करके फिरौती मांगी, वो मैं उसको दे रहा था। और क्या चाहते हो मुझसे? कहाँ है वो कमीना? ए, पहले उन्हें कॉल कर। तेरा फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे। फोन निकाल ले इसका। चलो टेप का मास्क बना के दे दिया। ए, अरे कौन है इसकी बीवी? किडनैपिंग के साथ साथ किसी की बीवी भी भगा रहे हैं क्या? बकवास बंद कर, समझा क्या? कुछ तो गड़बड़ है यार, कोई तो हमारे साथ गेम खेल रहा है। अरे निकाल लेता हूँ। आदित्य के बाप के नंबर पर रिंग तो जा रही है, पर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? गए काम से, पक्का जेल होगी और पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। या तो मैं पुलिस के हाथों मारा जाऊंगा या अपनी बीवी के हाथों मारा जाऊंगा। मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम में से किसी के बारे में नहीं बताऊंगा। गाइस ध्यान से सुनो। उसने तुम्हारे मुंह देखे क्या? आई होप नहीं देखे। पहले पता करते हैं कि वो कहां जा रहा है। गाड़ी मत रोको, निकलो वहां से। एक
काम करो, उसका फोन चेक करो, उसकी कॉल लिस्ट में देखो उसने किसे कॉल किया और किसके कॉल आए। ए, तुम लोग मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, नंबर लिख 7358038303। एक मिनट मैं फोन चेक कर रही हूँ। इस नंबर पे बार बार कॉल किया है। 9597262298। क्या हुआ? वो कमीना तुम्हारा पीछा कर रहा है, डैम इट। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं उस आदमी और बच्चे को जान से मार दूंगा अगर हमारा पीछा किया तो। सुन रॉबिन, कोई तो हमारा पीछा अब भी कर रहा है। मुझे लग रहा है हम कोई गलती कर रहे हैं। उन्हें गाड़ी से बाहर धक्का मार और भाग वहां से। दोनों को गाड़ी से बाहर निकाल, जल्दी। हेलो, मुझे जितने पैसे चाहिए थे वो तो मुझे मिल गए। तेरे लोगों को रेस कोर्स के पास उतार दिया है, चल जा, जाके ले आ। तू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे फटे में टांग मत अड़ा, समझा? काम अभी खत्म नहीं हुआ मिसेस पार्वती। देख, मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं, पारो कोई बात नहीं। अच्छा पहले बता कि ये बच्चा किसका है। एक काम और करना है, अगर करके देगा तो उसके लिए 1.25 करोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, तू बस पारो को छोड़ दे। एक कहां जा रहा है? कौन है वो बच्चा? ये किस तरह का गंदा गेम खेल रहे हो तुम? अब भी पैसों के ही बारे में सोच रहे हो ना? वो पैसे ले जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को खिला के मुंह पे मारना चाहते हो, सही कहा ना? रॉबिन सुन, वो अब भी हमारा पीछा कर रहा है। बैग में चेक कर। ये ले, चेक कर। देख बैग में कोई फोन तो नहीं है ना? जल्दी करना, क्या कर रहा है? अरे सफर कर, देख रहा हूँ। बैग में मोबाइल है। क्या करूँ? मार फेंको उसे। अब मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? सिर्फ तुम ही सवाल कर सकते हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। अरे चुप करो ना। हेलो, कौन है? अरे सुन, कहाँ है तू? ओ, तू है, बस दुकान बंद कर रहा था। बहुत बढ़िया, मैं दुकान के पीछे ही हूँ। तू एक काम करेगा, अपनी बाइक लेके पीछे वाली गली में आ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे चुप कर, पहले बाइक तो लेके आ, सवाल ही पूछता रहता है। बच गए। मेरी बात सुनो, इतनी देर मुझे झेला है, कुछ देर और झेल लो ना। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो प्लीज, थोड़ी हेल्प करो। नो वे, मैं क्यों हेल्प करूँ तुम्हारी? मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। सुबह सुबह मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, उसे विश करूं या वॉर्न करूं बहुत बड़ी कंफ्यूजन में था। हेलो, तभी मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया। रॉन्ग नंबर था, एक लड़की बात कर रही थी। जो कॉल उस बेचारे बच्चे के बाप के पास जाना था मेरे पास आ गया। मुझे लगा पैसे के लिए कोई कितना गिर सकता है, और तभी मुझे तुम्हारा पति नजर आया। ए, तभी फैसला किया कि तुम्हारे पति की मदद से किडनैपर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। चल बैठ। मगर जो प्लान मैंने बनाया था सब बदल गया। अब मेरी बात सुनो, मैंने कभी किसी के लिए नहीं सोचा, ना औरतों की इज्जत की है। पहली बार एक औरत से मदद मांग रहा हूँ, मना मत कर देना। अब हमें करना ये है, मैंने जो बोला समझ गई ना?
सुन बे, बात क्या है, कुछ बताएगा भी? मुझे भी नहीं पता, अभी पता लगेगा। रहने देता ही नहीं है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ए, कौन है भी तू? आदित का बाप हूं बे। क्यों बे? बच्चा किडनैप करके रॉन्ग नंबर पे फोन करके पैसे मांगेगा तो घंटा पैसे मिलेंगे। रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर? गधे ढक्कन कहीं के। क्या रे, मुझे फोन करके धमकाने वाली यही थी क्या, राउडी बेबी? बच्चे उठाना औरतों को शोभा देता है क्या? तो क्या लड़के ही सिर्फ किडनैप कर सकते हैं? यार ढक्कन लगा दूं। क्या ढूंढ रहा भाई? अरे इतने पैसे की औकात नहीं है तुम लोगों की, तुम लोग छोले कुलचे का रेड़ा लगा लो। अरे इज्जत से बैग वापस कर वरना गोली मार दूंगा। इज्जत से मतलब आके पांव छू क्या तेरे? देख शाने, बहुत खतरा मोला है इन पैसों के लिए, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अबे गोली मत चला देना। देख इन पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बैग दे दे। ए? गोली मार दूंगा, सच में मार दूंगा। रॉबिन, तुझे पता है किडनैपिंग के बारे में मैंने एक नई बात सीखी, अमीर लोगों को किडनैप करके कोई फायदा नहीं, उसको निशाना बनाओ जिसके लिए अमीर आदमी अपनी दौलत लुटा दे। सुन, अब बैग दे दे। ए भोकटलाल, बैग दे। किसका इंतजार है? सोच क्या रहा है, देना जल्दी। ए इसके हाथ में दे। अबे लेटे लेटे क्या सोच रहा है, मारना उसे। सॉरी सर, सर 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 प्लीज सर, सर ये बैग दे दीजिए, प्लीज प्लीज सर ये बैग दे दीजिए, सर सर प्लीज प्लीज सर, ये पैसे हमारे लिए बहुत कीमती है, हम कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, हाल ही में हमें नौकरी से निकाल दिया, ना हम अपनी स्कूल लाइफ ठीक से जी पाए और ना ही कॉलेज में मजे कर पाए, पूरी जिंदगी खुशी से जीने के लिए तरसते रहे, आखिरकार मुझे नौकरी मिली और जैसे ही पैसे आने लगे मैंने देखा कि मेरे दोस्त पार्टी करते थे पूरी रात और मैं बस दिन रात काम ही करता था, सीओ को करोड़ों का फायदा होता था तो हम खुश होते थे, लेकिन वो कभी हमारी मेहनत का फल नहीं देते और एक दिन ऐसे निकाल दिया जैसे हम उनके लिए मायने ही नहीं रखते। उन्हीं जॉब्स के भरोसे हमने ढेर सारे लोन ले लिए, अगर पैसे नहीं मिले तो हम सबको सुसाइड करना पड़ेगा।
एक ऑफर है, अगर तुझे इसमें से कुछ चाहिए तो रख सकता है। पागल है क्या? मजाक नहीं कर रही हूँ, ले लो, शर्माओ मत। गौतम। पारुक, शुक्र है तुम सही सलामत हो। ए, अंदर रख इसे। तेरी गन सिर्फ जान ले सकती है, मगर मेरी? वैसे नकली बंदूक पकड़े आदमी को असली बंदूक दिखाते तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? दीदी, ए जय कमला, सर वेट कर रहे हैं। इनके लिए अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट शुरू करके देना। सोचूंगा। और जरा इस बच्चे को इसके घर तक छोड़ देना, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तुझे। बाय। आदित। आदित। कैसा है बेटा? सर आप कौन है? तुझे बहुत डांट लिया मैंने। I'm sorry. Wish you a happy married life. हाँ? मैं तुझे यहाँ guilty feel कराने नहीं आया। Take care.